जय श्री हरि विष्णु। अनेकानि च शास्त्राणि स्वल्पायुर्विघ्न कोटियः तस्मात् सारं विजानी यात् क्षीरं हंस इवाम्भसी। अर्थात सत्पुरुषों के द्वारा अधीत शास्त्र ही तत्वज्ञान का लक्षण है, यही ज्ञान है, यह जानने के योग्य है। ऐसे विचारों में फंसा हुआ मनुष्य सब कुछ जानने की इच्छा करता है, किंतु हजार दिव्य वर्षों तक पढ़ने पर भी वह शास्त्रों का अंत नहीं समझ पाता है। शास्त्र तो अनेक हैं, किंतु आयु बहुत ही कम है और उसमें भी करोड़ों विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। इसलिए जैसे हंस जल में मिले हुए दूध को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही उनके सार तत्व को हमें भी ग्रहण करना चाहिए। इसी से मनुष्य का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल महात्मा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की प्रस्तुति में हम आपको गर्भस्थ शिशु में आत्मा का संचार और उसकी मनोदशा के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। जन्म मरण का ज्ञान लेते हुए गरुड़ देव ने श्री हरि से प्रश्न किया कि हे महामंगलेश्वर, आपने मुझे जो अमृतमय ज्ञान पिलाया है उससे मैं धन्य हो गया हूँ। हे महात्मन, अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि माता के गर्भ में मनुष्य का अवतरण कैसे होता है और उसमें आत्मा या प्राणों का संचार कैसे होता है। क्या उस आत्मा को पिछले जन्म के कृत्य भी स्मरण रहते हैं? यह सब ज्ञान भी मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। गरुड़ की प्रार्थना सुनने के बाद भगवान श्री हरि ने कहा कि हे कश्यप पुत्र गरुड़देव, शुभ अशुभ फलों के भोग के उपरांत प्राणी मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। जब स्त्री तथा पुरुष के संयोग से गर्भ में शुक्र और शोणित जाता है तो उसी में पंचभूतों से समन्वित होकर पंचभौतिक शरीर का निर्माण होता है। परमात्मा द्वारा उसमें प्राण वायु अर्थात आत्मा का संचार किया जाता है। तदंतर उसमें इंद्रिया, मन, ज्ञान, आयु, सुख, धैर्य, धारणा, प्रेरणा, दुख, मिथ्या, अहंकार, वर्ण, राग, द्वेष, उत्पत्ति और विनाश इत्यादि, ये सब उस अनादि आत्मा को साधन मानकर पंचभौतिक शरीर के साथ उत्पन्न होते हैं। उसी समय से वह पंचभौतिक शरीर पूर्व कर्मों से पोषित होकर गर्भ में बढ़ने लगता है। वह माता के द्वारा खाए गए भोजन पर निर्भर रहता है, अर्थात जैसा भोजन माता करती है वैसा ही भोजन उसको भी प्राप्त होता है। अतः माता को हमेशा ही शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। माता की प्रसन्नता से वह भी प्रसन्न होता है और दुखी होने से वह भी दुखी हो जाता है। शिशु के गर्भस्थ होने पर माता को सत्कर्म और भक्ति भाव में अनुरक्त रहना चाहिए, इससे गर्भस्थ शिशु में भी अच्छे संस्कार पोषित होते हैं। परंतु कभी कभी गर्भ में जो शिशु पोषित होता रहता है उसमें जो आत्मा प्रविष्ट होती है वह अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों से भी अभिभूत रहता है, अर्थात उसे अपने पूर्व जन्म में किए गए कार्य याद रहते हैं। उन बातों के स्मरण से वह गर्भ में ही बहुत प्रकार की क्रियाकलाप करता रहता है। पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद वह क्या क्या करेगा इसका चिंतन भी वह करता रहता है। जो कार्य पिछले जन्म में रह गए हैं उनको इस नए जन्म में पूर्ण करने का विचार करता रहता है। इस प्रकार जैसे उसके मन के भाव होते हैं वैसा ही उसका जीवन निश्चित हो जाता है। जब धरती पर उसके जन्म का समय आता है तो वह अर्ध चेतन अवस्था में चला जाता है और जन्म लेते ही दुखों की अनुभूति से रोने लगता है। शैशव काल तक उसे सभी बातें स्मरण रहती हैं। उन्हीं बातों को स्मरण करके कभी वह हंसता रहता है, कभी अचानक मुस्कुराता है और कभी अचानक रोने लगता है। परंतु जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ने लगती है तो वह पूर्व जन्म के शुभ अशुभ कर्म एवं संस्कार सभी कुछ भूलने लगता है। फिर वह इस जीवन में मिलने वाले समस्त सगे संबंधियों को धीरे धीरे पहचानने लगता है, पूर्व जन्म में मिले सगे संबंधियों को भूलने लगता है। इस प्रकार 6 माह की अवस्था आते आते वह सब कुछ भूल जाता है और नए जीवन में घुलने लगता है। हे खगेंद्र, इस प्रकार नए शरीर के क्रियाकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। जो जो उसकी आयु बढ़ती जाती है वह सांसारिक दायित्वों और मोह माया, लोभ, लालच, काम, क्रोध इत्यादि में अनुरक्त होता रहता है।
फिर धीरे धीरे वह नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्म करते हुए पहले शिशु, फिर बालक, फिर किशोर, फिर युवा, फिर वयस्क, फिर प्रौढ़ और अंत में वृद्ध होकर अपनी आयु पूर्ण करता है, फिर अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार उसके जीवन मरण का चक्र चलता रहता है, क्योंकि वह अपने मूल कर्तव्य को भूल जाता है, जिसका कि उसने गर्भ में अवतरित होते समय चिंतन किया था। परंतु जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ होता है और सत्कर्म करते हुए अपने दायित्वों को पूरा करके मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वह व्यक्ति मृत्यु के बाद निश्चित ही उस अनंत ब्रह्मांड के एकमात्र आश्रयदाता भगवान श्री नारायण को प्राप्त करता है। तो यह थी गर्भस्थ शिशु में आत्मा का संचार और उसकी मनोदशा के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। गरुड़ ज्ञान के अगले भाग में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।